आज आरएबीडी महाविद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर छात्राओं के मध्य निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। निबंध प्रतियोगिता के पश्चात हिंदी दिवस पर एक विचार गोष्ठी भी की गई। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राघवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 में राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1953 से हम हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। हिंदी बड़ी प्यारी सी सरल भाषा है, किसी न किसी रूप में इसका हम उपयोग जरूर करते हैं। हम विद्यालय में अपने दोस्तों से खेल के मैदान पर हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। प्रवक्ता राहुल सुदेली जी ने बताया कि जब से मानव अस्तित्व में आया तब से ही भाषा का उपयोग कर रहा है, चाहे वह ध्वनि के रूप दूसरे लोगों के विचार सुन सकते हैं। यह बिल्कुल सही है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का निर्माण मनुष्यों के पारस्परिक सहयोग से होता है। समाज में रहते हुए मानव आपस में अपनी इच्छाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। प्रबंधक डॉक्टर प्रवक्ता संतोष कुमार यादव ने कहा कि भाषा राष्ट्र के लिए क्यों आवश्यक है। भाषा राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि राष्ट्र इस अवसर पर मनोहर लाल कुशवाहा, प्रवक्ता राहुल सुदेले, बी एस गौर, दीप्ति नामदेव, आरती तोमर, आर जी भंडोले, राम गोपाल चंदेल, जगदीश राजपूत, सचिन नामदेव, अखंड प्रताप सिंह, राजीव यादव, राहुल सोनी, अक्षय श्रीवास्तव, रागिनी सेंगर, आशु गोस्वामी, संपूर्णा जैन, नीतू यादव, महेंद्र सिंह, विशाल यादव, भूपेंद्र सिंह, भगत सिंह, सुमेर सिंह, राम मिलन, अमन दयाल प्रजापति, कृपाल प्रजापति, कृपाल पत्रकार गोलू राजा सेंगर आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोहर लाल कुशवाहा ने किया। अध्यक्षता डॉक्टर सूर्यनाथ यादव ने की। आभार संतोष यादव ने व्यक्त किया। फारसी मडावरा से पी आर न्यूज सहयोगी अरविंद पटेल के साथ गोलू राजा की रिपोर्ट। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। संप्रेषण का मतलब हम अपने भावनाओं को आप तक पहुंचाते हैं। तो भावनाओं के संप्रेषण हेतु जितना अच्छा हम अपने मदर लैंग्वेज में, मातृभाषा में, जिसको हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, उसके माध्यम से जितना अच्छा हम पहुंचा सकते हैं उतना और किसी भी भाषा में अपनी भावनाओं को नहीं दिखते। विश्वकर्मा से मंगला करने के लिए